हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेक्ड हरा भरा कबाब की रेसिपी। ऐसे तो हमने हरा भरा कबाब बहुत बार खाया है, कभी शैलो फ्राई करके तो कभी डीप फ्राई करके, लेकिन आज हम इसे हेल्दी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही कम ऑयल का यूज़ करेंगे और बेक करके बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी पालक की जुड़ी ली है, तो इसे मैं पहले अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर उसके बाद हमें इसे उबाल लेना है। पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और अभी हम इसमें डाल देते हैं पालक। पालक को हमें ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना है, बस 5 मिनट तक इसे बॉईल कर लेंगे। पालक उबल गई है और उबलने के तुरंत बाद हमें उसे चिल्ड वाटर में डालना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिल्ड वाटर और अभी मैं उबली हुई पालक को चिल्ड वाटर में डाल रही हूँ। और चिल्ड वाटर डालने के बाद यह तुरंत ही ठंडी हो जाती है, तो हम मैं अभी इसे हाथ से निकाल के फिर से इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा थिक पेस्ट करना है। और देखिए यहाँ पे मैंने पालक की पेस्ट बना ली है और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और पालक को भी निचोड़ के मैंने इसकी पेस्ट बनाई है, इसीलिए इतना थिक पेस्ट बना है। तो आपको भी बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, इसी तरीके से थिक पेस्ट हमें लगने वाली है। तो इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे लिए है मैंने 1 कप उबले हुए कॉर्न। तो चलिए अभी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉल में कॉर्न डालूँगी और इसे मैश कर लेती हूँ। आप इसे चाहो तो दरदरा पीस भी सकते हो, बट अभी मैं इसे मैश कर लेती हूँ और फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। इसे मैंने हल्का सा मैश कर लिया है, लेकिन आप हो सके तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में ही थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए। इसके बाद हमें इसमें डालने हैं उबले हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू को उबाल लिया था, अभी मैं डायरेक्ट आलू को डालूँगी और हाथों से ही ऐसे इसे मैश कर लूँगी। और पोटैटो को अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये पालक का पेस्ट। उसके बाद हमें डालना है 1 से 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे मैंने ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक लिया है। 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप उसकी जगह उबले हुए गाजर या उबले हुए मटर भी डाल सकते हो। और इसे अभी मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैंने मिक्स कर लिया है और उसके बाद हमें डालना है इसमें ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे मैंने पहले 1/2 कटोरी ब्रेड क्रम्स लिए हैं, उसमें से मैं 2-3 टेबलस्पून पहले डालूँगी। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ब्रेड क्रम्स डालना है, पहली बार में ही पूरा ब्रेड क्रम्स हम नहीं डालेंगे। ये देखिए इसमें और ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है, तो और 2 टेबलस्पून में डाल दूँगी। और अभी मैं इसे हाथों से मिक्स करती हूँ और हाथों से मिक्स करते हुए हम चेक करेंगे कि इसकी टिक्की बन रही है या नहीं बन रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है इसमें तो आप इसमें और ब्रेड क्रम्स डाल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है और आज मैं बेक्ड हरा भरा कबाब बना रही हूँ, तो इसीलिए मुझे ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। आप देख सकते हो इसका बॉल बन रहा है हो और आराम से टिक्की भी बन जाएगी। अगर आप इसे शैलो फ्राई या फ्राई करते हो तो आपको इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डालना पड़ेगा ताकि स्टफिंग थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये तो अभी रेडी हो चुका है, तो चलिए कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, आप चाहो तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से बॉल लेके इसे प्रेस करना है और इस तरीके से प्रेस करने के बाद इसे मैं एक एक प्लेट में रख दूँगी। और इसी तरीके से मैं सारे कबाब पहले रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे कबाब को रेडी कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए है कुछ काजू और इसे हमें इस तरीके से कबाब पे लगाने हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो इसे ज़रूर लगाइए। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे
और इसे हमें बेक करना है। तो ओवन को भी मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, जो कि ओवन प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे बेक करने के लिए ओवन में रख देते हैं। तो इसे मैंने रखा है अपर पोर्शन में। तो इसे बेक करेंगे हम, टेम्परेचर 225 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे हम बेक कर रहे हैं तो बेक मोड पे मैंने इसे सेट करके रखा है, और पहले मैं इसे 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी, और 10 मिनट बाद मैं इसे फ़्लिप करके दूसरी साइड से भी 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। तो इस तरीके से टोटल टाइम हमें 20-25 मिनट्स लगने वाला है। तो टोटल मैंने इसे 20 मिनट तक बेक किया है, और आप देख सकते हो तो हरा भरा कबाब बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहेगा, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार बेक कबाब ज़रूर बना के देखिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।